तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से साधु 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 नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है साधम्म पतिरूपक सूत्र। साधम्म पतिरूपक सूत्र क्या नाम है? साधम्म पतिरूपक सूत्र। सद्धर्म सत्य धर्म के नाम से रहने वाले अधर्म के बारे में बताया गया सूत्र। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सूत्र उपदेश बताया, उसी दिन अरहंत महाकाश्यप भंते जी भगवान बुद्ध के पास आया, आकर के नमन करके एक और बैठ गया। बैठ के अरहंत महाकाश्यप भंते जी भगवान बुद्ध को बताया, तथागत भगवान बुद्ध जी, पहले ये बुद्ध शासन की शुरुआत में शुरू में सील बहुत थोड़ा था, एक दो सील था, मगर बहुत सारे भंते लोग अरहत्व को प्राप्त किए थे। सील बहुत थोड़ा था, सील का नियम तम थोड़ा था, फिर भी बहुत सारे भंते लोग अरहत्व को प्राप्त किए थे। ऐसे होने का कारण क्या है, किस कारण से ये हो गया? फिर भी तथागत भगवान बुद्ध जी आजकल ऐसा नहीं, आजकल बहुत सारे सील हैं, बहुत सील बनाया हुआ है, फिर भी बहुत थोड़े लोग अरहत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसे होने का कारण क्या है? क्या मूलिक होने से ऐसे होता है? दो प्रश्न पूछे थे ना, क्या दो प्रश्न? पहले थोड़ा सील था, पहले थोड़ा सील, शुरू में भगवान को सिर्फ सील के लिए क्या बताए थे? सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं अनुपवादो अनुपघातो पातिमुखे च संगुरु मत्तन्यता च भक्तस्मि पंतं च शयनासनं अधिक जिच्छेत आयोगो एतं बुद्धानुशासनं। यही सिर्फ बताए भगवान बुद्ध पहले, यही बताने के बाद यही सील हो गया। सारे पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, मन पवित्र करना है, अपना जीवन को शांत करना है, इतना में ही सभी लोग अरहत को प्राप्त किया, यही सील विनय। लेकिन बाद में क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत ज्यादा, बहुत सारे सील आ गया। पहले तो बहुत सारे लोग अरहत को प्राप्त किए थे, मगर बाद में बहुत थोड़े लोग अरहत को प्राप्त किया, फिर भी बहुत सील होने पर भी भगवान बुद्ध ने बताया पुण्यवान काश्यप, वो बात तो ऐसे ही है। ये सत्य लोग यानी कि ये मानव पतन होते समय ही सद्धर्म भी नष्ट होता है। मानव का पतन होने के कारण सद्धर्म क्षण हो जाता है, इसीलिए
बहुत सारे सील भी बनाना पड़ता है। आदमी का पतन होने के कारण धर्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए उन लोगों का सुरक्षा के लिए बहुत सारे सील को बनाना पड़ता है। इसीलिए थोड़े लोग अर्हत प्राप्त करते हैं, बहुत लोग अर्हत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये कौन सी समय का बात चलता है? भगवान बुद्ध के समय का बात है। भगवान बुद्ध के समय से ही शुरू में लोग सिर सुरक्षा सिर थोड़ा था, उनके समय से ही बाद में बढ़ गया, सिर बढ़ गया। तो आजकल के बारे में क्या बात है बताए पुण्यवान काश्यप। सद्धर्म के नाम से अधर्म दुनिया में प्राप्त नहीं होगा तो सद्धर्म नष्ट नहीं होता है। सद्धर्म के नाम से अधर्म दुनिया में जब तक नहीं आएगा तब तक सद्धर्म नष्ट नहीं होगा। मगर पुण्यवान काश्यप जब सद्धर्म के नाम से अधर्म आ गया तो सद्धर्म के नाम से दुनिया में अधर्म आ गया तो उसी दिन सद्धर्म नष्ट हो जाते। समझ में आ गया? इसके बाद उन्होंने बताए पुण्यवान काश्यप ये ऐसी बात है, जब तक दुनिया में सोने का नाम से डुप्लीकेट सोना नहीं आएगा तब तक सोने का कीमत है। जब सोना नहीं है मगर सोना जैसा दिखता है ऐसा डुप्लीकेट सोना दुनिया में आ गया तो उसी दिन सोना खत्म हो जाता है, सोने का कीमत भी कम हो जाता है। अभी देखिए, अभी सोने का नाम से पीतल आ गया है, एकदम सोना जैसा लग रहा है ना, सोना जैसा माल आ गया। कोई कोई लोग सोना जैसा माल पहनता लेकिन सोना नहीं है। इसीलिए सोना का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। अभी सोना पहले कोई कोई लोग सोना का माला पहन के गया, देखो सोना का माला पहन के जा बहुत महंगा हो रहा है, ऐसे बात करते थे। आजकल माला पहन गया तो ये सोना नहीं भी हो सकता है, 50 रुपये मिलता है ना बाजार में, ऐसे बोलते हैं। वैसे ही है सद्धर्म के नाम से अधर्म जब तक नहीं आएगा तब तक सद्धर्म सुरक्षित है। जब सद्धर्म के नाम से अधर्म आ गया उसी दिन से सद्धर्म खत्म हो जाता है। कैसे? वर्तमान में जो भगवान बुद्ध की धर्म के लिए चैलेंज करने वाले डुप्लीकेट बहुत सारे धर्म है ना, अधर्म आ गया आने के कारण अब सभी लोग सोचते हैं ये धर्म भी सही, ये धर्म भी सही, ये धर्म भी सही, ये धर्म भी सही है, सब मिक्स, सब कुछ सेम है, सब बराबर है। ऐसा दुनिया में अभी जो जो कुछ धर्म है वो सब कुछ लोग मानते हैं। इसके कारण भगवान बुद्ध के सत्य धर्म पे जो वैल्यू है वो सब खत्म हो गया है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया पुण्यवान काश्यप, ये पृथ्वी धातु है, ये पृथ्वी धातु कभी भी सद्धर्म को नष्ट नहीं करता है। ये आपो धातु है, आपो धातु भी कभी भी सत्य धर्म सद्धर्म को नष्ट नहीं कर सकता है। ये तेजो धातु है, तेजो धातु भी कभी सद्धर्म को नष्ट नहीं कर सकता है। ये है वायु धातु, वायु धातु को भी
सद्धर्म नष्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब बाहर कोई भी चीज से सद्धर्म नष्ट नहीं होता है। बाहर कोई दूसरा धर्म से भगवान बुद्ध का धर्म भी नष्ट नहीं कर सकता है। दूसरा धर्म के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों को भगवान बुद्ध के धर्म नष्ट नहीं कर सकता है। मगर जो कोई ये सद्धर्म नष्ट करेगा तो वो फालतू पुरुष, वो मूर्ख पुरुष ये बुद्ध शासन में ही उत्पन्न होता है। ये सद्धर्म नष्ट करने वाले पुरुष कहाँ उत्पन्न होता है? बुद्ध शासन में है, वही करता है काम। देखिए महायान में ऐसे हुआ ना, महायान लोग पूरा बुद्धिज्म नष्ट कर दिया है। तो दूसरा इतिहास में अजित केसन का बोल मक्कली कोसार पकुद कच्चा निकन्नाथ पुत्र से लेकर के महायान धर्म आने तक किसी को भगवान बुद्ध के धर्म को नष्ट कर पाया? किसी को कुछ नहीं कर पाया। मगर इधर से ही निकल के लोग दूसरा कुछ बोलना शुरू किया, भगवान बुद्ध का रास्ता खत्म हो गया। इसका मतलब बुद्ध शासन खत्म करने वाले कौन है? दूसरा धर्म के लोग नहीं, अंदर रहने वाले लोग ही ये नष्ट करता है। जैसे कि लोहा नष्ट होता है, लोहा में लोहा से ही उत्पन्न होने वाले जंग से, वैसा बुद्ध शासन नष्ट होने वाले जंग है असत पुरुष लोग। पुण्यवान काश्यप नाव में सामान ले जाते हैं इधर उधर, मगर ये नाव में सामान ज्यादा हो गया तो नाव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। पुण्यवान काश्यप वैसा ये सात धर्म पे ज्यादा लोग आने पर ये धर्म नष्ट नहीं होता है। नाव डूबना जैसा इसी धर्म पे ज्यादा करोड़ों अरबों लोग आ गया था, अभी धर्म सिर्फ धर्म पे कोई भारी नहीं है। ये धर्म नष्ट होने का कारण होता है पुण्यवान काश्यप, ये बुद्ध शासन पतन होने का पांच कारण है। ये पांच कारण अगर नहीं पहचान गया तो बुद्ध शासन नष्ट हो जाएगा। क्या है वो पांच कारण बता दीजिए आप लोग। नहीं जानते हैं बताया पुण्यवान काश्यप, ये शासन में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका ये श्रावक लोग पहला कारण है। तथागत भगवान बुद्ध के प्रति अपने शास्त्र के प्रति बिना गौरव से रहता है, आज्ञाकारी नहीं रहता है। अपना गुरु कौन है? तथागत भगवान बुद्ध के प्रति कोई इज्जत सत्कार सम्मान नहीं है, उनके बात मानता नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। ये है बुद्ध शासन नष्ट होने का पहला कारण। तथा दूसरी कारण है ये लोग सद्धर्म के प्रति कोई इज्जत सत्कार सम्मान नहीं करता है, सद्धर्म का आज्ञाकारी भी नहीं है, यानी कि धर्म जो कुछ करता है वो मानता नहीं है। नोमन हल्का जैसा पकड़ के रहता है सद्धर्म को, कोई सेवा सत्कार नहीं है, धर्म जो बताते जा रहा है सिर्फ सुनते जा रहा है, करता नहीं है। इसके बाद बताया तीसरा है आर्य श्रावक महासंघ के प्रति कोई इज्जत सत्कार सम्मान नहीं है, आज्ञाकारी भी नहीं है। किन के प्रति?
आर्य महासंघ के प्रति, ऐसा आर्य महासंघ के प्रति कोई इज्जत सत्कार सम्मान नहीं है तो वो तीसरे कारण है बुद्ध शासन को नष्ट होने वाले। बताया चौथी कारण है भगवान बुद्ध जो कुछ सील बना दिया है उसी सील के प्रति कोई इज्जत सत्कार सम्मान नहीं, सील के प्रति कोई आज्ञाकार भी नहीं है। यह है चौथी कारण बुद्ध शासन को नष्ट होने वाले। उन्होंने तथागत ने बताया महाकाश्यप पंडित जी को, महाकाश्यप और लोग हैं वो लोग समाधि के प्रति कोई गौरव सत्कार सम्मान नहीं करता है। समाधि के प्रति कोई इज्जत सत्कार सम्मान नहीं करता है मतलब साधना करने का समाधि थोड़ा मिलता है वो उसी समाधि पर ध्यान नहीं देता है। समाधि जो जो बहुत मेहनत करने पर मिल गया समाधि थोड़ा मन शांत होता है, शांत हो गया मन शांत होता है में, इसके बाद वो क्या करता है उसको बढ़ाता नहीं, सुरक्षा भी नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, छोड़ देता है। ऐसा समाधि के प्रति इज्जत सत्कार सम्मान नहीं करने के कारण भी ये बुद्ध शासन नष्ट हो जाता है। उन्होंने बताया पुण्यवान काश्यप बुद्ध शासन पतन होने के लिए ये पांच कारण को, ये पांच धर्म को नहीं पहचानना, ये पांच धर्म को नहीं पहचानने से, ये पांच धर्म नहीं जानने से, ये पांच धर्म के प्रति इज्जत सत्कार सम्मान नहीं करेंगे तो आज्ञाकारी नहीं होगा तो बुद्ध शासन पतन हो जाता है। इसके बाद उन्होंने बताया पुण्यवान काश्यप बुद्ध शासन को चमकने के लिए, बुद्ध शासन को बढ़ाने के लिए और पांच कारण होता है। अभी पहले क्या बताया है बुद्ध शासन नष्ट होने के लिए, अभी सद्धर्म को पहचान के बुद्ध शासन को बढ़ाने के लिए ये पांच कारण है। पहला है ये शासन में रहने वाले अन्य धर्म के लोगों के बारे में कुछ बात चलता है क्या? शासन में रहने वाले भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका, ये श्रावक लोग तथागत भगवान बुद्ध के प्रति इज्जत सत्कार सम्मान करते हैं, तथागत भगवान बुद्ध की आज्ञाकारी बन जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, ये पहला कारण। दूसरा कारण है वैसे ही आर्य सद्धर्म के प्रति इज्जत सत्कार सम्मान करता है, आदर गौरव करता है और आज्ञाकारी होता है, कृतज्ञ होता है। तीसरा आर्य महासंघ के प्रति इज्जत सत्कार सम्मान करता है, आज्ञाकारी होता है, कृतज्ञ होता है। इसके बाद चौथा सील के प्रति इज्जत सत्कार सम्मान करता है, आज्ञाकारी होता है, कृतज्ञ होता है, सील पालन करता है। समाधि, इसके बाद पांचवा समाधि के प्रति इज्जत सत्कार सम्मान करता है, आज्ञाकारी होता है, कृतज्ञ होता है, उसी समाधि को सुरक्षा करता है और बढ़ाता है। उन्होंने बताया पुण्यवान काश्यप बुद्ध शासन को बढ़ने के लिए ये पांच धर्म को पहचान कर रहेगा तो इज्जत सत्कार सम्मान करेगा तो आज्ञाकारी हो गया तो कृतज्ञ हो गया तो बुद्ध शासन बढ़ेगा, नष्ट नहीं होगा। ये भगवान बुद्ध अराध महाकाश्यप बंते जी को बताया। ऐसा है तो
बुद्ध शासन नष्ट होने के लिए हम लोग कहेंगे तो वो किताब से बुद्ध शासन नष्ट हो जाएगा, वो चीज से बुद्ध शासन नष्ट हो जाएगा, ऐसे हम लोग नहीं कह सकते हैं। हम लोग बुद्ध शासन में आ गया तो हम लोग किसी पांच गुण धर्म पे रहना चाहिए, तो हम लोग बुद्ध शासन को फैलाएंगे। हम लोग किसी पांच धर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग बुद्ध शासन को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए आप लोग भी ये पांच धर्म से युक्त होकर आप सभी लोगों को भी तथागत भगवान बुद्ध के आर्य सत्य को अपना कर सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य सबको मिल जाए। साधु साधु साधु।